आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप एक कस्टम ईमेल बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप एक कस्टम ईमेल बना सकते हैं, जिस तरह से मतलब आपका जो डोमेन है उसके साथ एक कस्टम ईमेल बना सकते हैं। जिस तरह आपने डिफरेंट कंपनीज का देखा होगा, जैसे मेरा अगर ईमेल है वो है hello@ehsandarish.com, अब इस तरह का ईमेल आप किस तरह से बना सकते हैं। नॉर्मली आप यूज़ करते हैं @gmail.com, लेकिन अपनी कंपनी का ईमेल किस तरह से बना सकते हैं, लेट्स से admin@rankyard.com, तो ये कंपनी ईमेल है, बिजनेस ईमेल है, तो इस तरह का ईमेल आप किस तरह से अपने सी पैनल से बनाएंगे, तो चलें आज के लेक्चर में देखते हैं। तो जी, हम आ चुके हैं अपने सी पैनल के अंदर यहाँ पे देखें, वही सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है, और यहाँ पे देखें ईमेल का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे ईमेल अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे। सिंपल ईमेल अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें क्रिएट का ऑप्शन नज़र आ रहा है हमें, तो सिंपल मैं इसको क्रिएट करूँगा, और क्रिएट करने के बाद लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ पे हेलो, और यहाँ पे मेरे जो डोमेन नेम है जो इस होस्टिंग के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है वो सिलेक्टेड है hello@mailcanvas.com। मैं ये ईमेल बनाना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया, और ये ईमेल मेरा डोमेन नेम मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। मैं यहाँ पे इसको पासवर्ड सेट करता हूँ। ओके, आपने यहाँ पे एक अच्छा सा मैं जनरेट कर लेता हूँ, एक अच्छा सा पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे उसके बाद आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन आ गया क्रिएट ईमेल, और यहाँ पे ये देखें मेरा ईमेल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास एक ईमेल टोटली अवेलेबल है, क्रिएट हो चुका है। अब लेट्स से आपको इसके ऊपर मतलब आप इसको अपने क्लाइंट्स को दे रहे हो, अपने यूज़र्स को दे रहे हो, अब वो जब आपको इसके ऊपर ईमेल करेंगे तो वो ईमेल्स आपको कहाँ पे नज़र आएंगे, तो यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहा है चेक ईमेल, तो इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपका जो ईमेल का इनबॉक्स है उसको लॉगिन कर देगा, और लॉगिन करने से पहले कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं। अगर आप इस ईमेल को अपने मोबाइल के ऊपर कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कुछ इन्फॉर्मेशन, अगर आप एंड्रॉयड के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आईफोन एप्पल आईपॉड के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उनके जो भी, जैसे यहाँ पे मेरा मैक है और इसके साथ इसके ऊपर मैं उसको लॉगिन करना चाह रहा हूँ इस ईमेल को, कि मुझे जो भी ईमेल्स हैं वो यहाँ पे रिसीव हों, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास मौजूद है। ओके, जस्ट आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और अपना ईमेल देना है, और वो वहाँ पे चला जाएगा, और उसके बाद पूरी इंस्ट्रक्शंस आपके पास मौजूद होंगी जिसके यूज़ करते हुए आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। इवन आप इस ईमेल को अपने जीमेल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, कि आपने आपका जो ये ईमेल है इसके ऊपर जो भी ईमेल है वो आपके जीमेल के ऊपर रिसीव हो जाए आपको, ठीक है, आप जस्ट ये ईमेल को लोगों को दें, अपने यूज़र्स को। तो उसके बाद मैंने ईमेल यहीं से चेक करना है, तो मैं इसको राउंड क्यूब को ऑलवेज सेलेक्ट कर दूंगा और इसको ओपन कर दूंगा, और यहाँ पे देखें ये मेरा इनबॉक्स, और इसके अंदर जो तमाम ईमेल्स हैं वो मुझे रिसीव होने वाले हैं। तो चलिए एक जल्दी से एक टेस्ट कर लेते हैं। मैं अपना जीमेल अकाउंट ओपन करके वहाँ से यहाँ पे एक ईमेल करूँगा, और देखते हैं हम कितनी देर में रिसीव होता है, ये किस तरह से रिसीव होता है। लेट्स से मैं यहाँ पे जो ईमेल है वो टेस्टिंग बाय संदंश, ओके, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ हेलो टेस्टिंग, और यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ये मेरा ईमेल था जिसके ऊपर जो मैंने कस्टम ईमेल अपना बिजनेस का ईमेल बनाया, इसको सिंपल मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको सेंड कर दूँगा जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस। अब जैसे मैंने किसी को बिजनेस के लिए अपना ईमेल दिया, किसी स्टूडेंट को, उसने मुझे एक ईमेल किया, तो वो ईमेल मेरे बिजनेस ईमेल में इस तरह से रिसीव हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, मैं रिलोड करके देख लेता हूँ, यहाँ पे रिसीव हो जाना चाहिए वो ईमेल, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद हमारा जो ईमेल है वो यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो हमारा ईमेल जो है वो रिसीव हो चुका है एग्जैक्टली एज इट इज़, जैसा हमने शेयर किया था टेस्टिंग बाय एहसान दानिश, तो ये सारी चीज़ें, किसने फ्रॉम एहसान बुक, ऑब्वियसली बात है ये मेरा ईमेल है एहसान बुक के नाम से, तो यहाँ पे हमारे पास वो रिसीव हो चुका है। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से आपने एक बिजनेस ईमेल क्रिएट करना है और उसको यूज़ करना है, और तमाम जो सी पैनल्स में उसमें इसी तरह से आप अपनी ईमेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।